अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ AK मोहसिन, आप देख रहे हैं राह टीवी। आज मैं एक डिफरेंट जगह पे हूँ। आप देख रहे हैं पीछे जो है वो कुछ फाइट्स चल रही हैं, एक नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है, उस हवाले से यहाँ पर एक जो है वो मीडिया टॉक भी हुई और ये भी बताया गया कि इसकी डिटेल्स क्या हैं और जो नए उभरते हुए प्लेयर्स हैं, फाइटर जो हैं, वो यहाँ पर उनके जो है वो मुख्तलिफ किस्म के तारुफ भी कराया जा रहा है और डिफरेंट नौयत का उनका प्रोग्राम चल रहा है, उस पर हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा मैं अफसरदा हूँ, थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड में मुसलमानों को 50 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है एक मस्जिद के अंदर, और वो अफसरदगी तो अपनी जगह है, लेकिन हम इसकी तफसीलात जानने के लिए मज़ीद क्या हो रहा है, चैम्पियनशिप कब से कब तक रहेगी, कैटेगरीज क्या हैं, फाइटिंग कैसी होगी, उसकी डिटेल्स जानने के लिए आगे चलते हैं और मालूम करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आइए चलिए। फोर्टीन में पहली MMA फाइट कराई, केज फाइट कराई और उसमें बाकायदा हमने केज बनाया। उससे पहले यहाँ पर MMA फाइट्स होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली फाइट थी, लेकिन ये हमने जो कराची में कराई, जहाँ तक मेरी नॉलेज में कराची में पहली केज फाइट थी और बाकायदा उसका जो हमने केज बनाया था वो पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ बनाया गया। तो अब हम केज ये फिल्म 2 सीजन 2 करने जा रहे हैं। -47 केजी This called atom weight. -50 kg, this is straw weight. -56 kg, this is bantam weight. -61 feather weight. -66 light weight. -70 welter weight. -77 kg middle weight. -83 kg, this is light heavy weight. And -93 kg, this is super heavy weight. So what we have 64 males in these categories. So I think from that just need a clap, and for those candidates who have participated in that. एल्बो बना नहीं है संगत में न ग्राउंडेड गेम में। अच्छा, उसके अलावा जो है 3 मिनट का राउंड है, 1 मिनट का ब्रेक पे 3 राउंड होंगे और बेसिक गेम जो हमें चेंज किया उसमें, और हमने जो उसकी ग्लव्स की पैडिंग है थोड़ी सी मोटी की रखी है, तो कम से कम मिनिमम इंजरी हो और ज़्यादा उन्हें खेलने को मिले। और फर्स्ट टाइम लीग बेसिस पर हम लोग करवा रहे हैं ताकि जो पाकिस्तानी MMA स्पेशली कराची के जो फाइटर्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने खेलें और अवेयरनेस भी आए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और ये इवेंट कराने का मकसद ये है कि FBI का जो रोल है वो ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, जिसके लिए इस इवेंट के बाद हम एक इंटरनेशनल इवेंट कराएंगे जिसमें फॉरेन प्लेयर्स जो आएंगे उनके अगेंस्ट हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स उसी वेट और उसी कैटेगरी में फाइट कर सकें। मेरा नाम मिराल है, मैं 47 वेट में खेल रही हूँ और बहुत मज़ा आया। माय नेम इज महविस सरदार एंड आई एम इंटरनेशनल प्लेयर एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन थाईलैंड इन बुशीबान अमेरिकन फाइट, एंड वी आर प्लेइंग फर्स्ट टाइम इन केज फाइट इन पाकिस्तान, और हम सब हजाब करते हैं लेकिन वी आर नॉट कन्फ्यूज अबाउट दिस बिकॉज ये हमारी अपनी एक क्या कहना चाहिए पहचान है पाकिस्तान की, तो हम जैसे हैं हम इसमें भी खेल सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि हम बाकियों से बहुत बेहतर हैं। मेरा नाम इर्तबा अली है, मैं 56 kg के वेट में फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं रोग से हूँ, फिर रोग MMA फिटनेस फाइट क्लब फ्रॉम लाहौर। मैं आगे भी फाइट्स कर चुका हूँ पाकिस्तान ग्रैपलिंग चैलेंज में, 4 टाइम चैम्पियन हूँ मैं पाकिस्तान ग्रैपलिंग चैलेंज का, 3 टाइम केज फाइटिंग एक्सपीरियंस है, अनडिस्प्यूटेड फाइटर हूँ, 3-0 रिकॉर्ड है मेरा MMA का। तो मैं यहाँ पे भी आया हूँ, इंशाल्लाह मैं ये बेल्ट जीतूँगा और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दूँगा। मेरा नाम समीर जट है, मैं वेल्टर वेट में खेल रहा हूँ 70 kg में। सो मैं लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारी टीम रोग फिटनेस एंड MMA
वकार उमर का स्टूडेंट हूँ। वकार उमर जो 1FC में फ़ाइट करते हैं। जी मैं लाहौर से आया हूँ जी। और जो हमारे ब्राज़ीलियन जिजुत्सु के कोच हैं जहांजेब, उन्होंने हमें ट्रेन किया है, सो हम यहाँ पे फ़ाइट करने आए हैं। फर्स्ट टाइम कराची आए हैं। ये शोएब बट साहब ने बहुत अच्छा किया कि फ़ाइटर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, जिससे फ़ाइटर्स को मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। माय नेम इज़ रिफाक सरवर एंड आई एम हेयर फ्रॉम पैशन कम्बैट एकेडमी इस्लामाबाद। एक्चुअली आई एम अ मेंबर ऑफ नेशनल वुशु किक बॉक्सिंग टीम, 3 times, 4 times नेशनल चैम्पियन, 1 time आई एम साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेसलिंग सिल्वर मेडलिस्ट एंड इंटरनेशनल जूडो चैम्पियनशिप। इंशाल्लाह आई विल टेक माय बेल्ट होम इन 65 kg। माय नेम इज़ काशिफ एंड आई एम फ्रॉम द स्मॉल एरिया ऑफ कराची, मेट्रोवेल साइड एरिया, एंड आई एम फ्रॉम उस्मान शाह शाओलिन ट्रेडिशनल अकेडमी। और मेरे टीचर का नाम है उस्मान शाह। काफ़ी खुशी महसूस हुई इस स्टेज पे आके, काफ़ी शौक था इस स्टेज का और आखिरकार वो ख्वाब पूरा होता हुआ देख रहे हैं। आज डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे हैं, इंशाल्लाह इरादा है और पक्का यकीन है कि इसको पास आउट करके हम इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलेंगे और इंशाल्लाह कराची के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमानुल्ला मेमन है और मैं बुशीमान फाइटर से बिलोंग करता हूँ और मैं 61 kg में फ़ाइट कर रहा हूँ इस वक्त। और इसके अलावा जो है मैं 2 time वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ थाईलैंड और रशिया से, एशियन ब्रॉन्ज चैम्पियनशिप खेली है और इसके अलावा जो है 1 time इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 15 seconds में अमेरिकन को बीट कर आया था ग्रैपलिंग में, सबमिशन ग्रैपलिंग में। और इसके अलावा दंगल चैम्पियनशिप खेली है, उसमें सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। और इसके अलावा 4 time नेशनल चैम्पियनशिप खेली है, इसमें एज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एज अ विन किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा आरिफ है और मैं इस वक्त बैंटम में खेलने वाली हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद तो ये प्रैक्टिस के हिसाब से लग रहा है कि इंशाल्लाह बैट तो मेरी है, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि परफॉर्म करके ज़रूर दिखाऊँ। बैट ज़रूरी नहीं बट उम्मीद मैं करती हूँ कि बैट मेरी होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम शोएब मुजाहिद भट्ट है, मैं KCL कराची केज फाइटिंग लीग का फाउंडर और CEO। और हम लोग ये MMA लीग फाइट करा रहे हैं कराची, फर्स्ट टाइम लीग सिस्टम पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसमें 11 वेट कैटेगरी, इसमें 4 गर्ल्स हैं बाकी 11 बॉयज़ की हैं। और इसमें मुख्तलिफ पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान फाइटर्स आ रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फेस ऑफ एट वेइंग इंजन। माशाल्लाह ये जो इवेंट है जो भी हम कराने जा रहे हैं बहुत अच्छा, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड वो इवेंट है जिसमें सबकी काविशें हैं। और चूंकि जाहिर है हमारे बच्चे इस लेवल पर आए और उनका तो उसके लिए एक कोशिश जारी है, तो ग्रीनिश यूनिवर्सिटी ने भी ये इनिशिएटिव लिया कि हमने उनको वेलकम कहा और कहा कि बिल्कुल हमारे बच्चों के लिए इस कॉम के जो मुस्तकबिल हैं वो आगे जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरा ताल्लुक फाइटर्स डैन एकेडमी से है, मार्शल आर्ट एकेडमी है ये। इसी के थ्रू हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं जिसका नाम है KCFL। KCFL बेसिकली शोएब ने फाउंड किया था, शोएब जो कि इसके प्रेसिडेंट और फाउंडर है। और उन्होंने इसको 2010 में वो किया था, डेवलप किया था और उसके बाद से अब तक हम इसके थ्रू 5 से 6 जो है इवेंट करा चुके हैं। और ये एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है हमारा जो कि नेशनल लीग है, MMA नेशनल लीग फर्स्ट टाइम हो रही है, जिसमें हमारे 64 मेल प्लेयर्स हैं डिफरेंट 11 वेट कैटेगरीज़ में। और हमारे पास इसमें 10 गर्ल्स फाइटर हैं जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा होगा कि गर्ल्स फाइटर MMA केज में लड़ेंगी और वो 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में ये फ़ाइट्स कर रही हैं। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है तो इट्स गेटिंग वेरी गुड के मूवीज से और बाकी बहुत सारी और चीज़ों से वी आर गेटिंग इंडल्जिंग इन दिस स्पोर्ट्स। तो अभी हमारा मेन फोकस ये है कि किसी तरीके से टीन एजर्स को ड्रग्स से निकाल के और सिगरेट की लत से निकाल के हम मार्शल आर्ट्स की तरफ लेकर आएँ, एक पॉजिटिव एक्टिविटी दें जहाँ के भरपूर अपनी सलाहियतों उसका मुजाहरा कर सकें, अपनी पावर शो करा सकें एक कंस्ट्रक्टिव काम में, वरना हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। नया ट्रेंड है, अडॉप्ट करने में को टाइम लगेगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू अडॉप्ट दीज थिंग्स, वी आर नॉट गेटिंग स्पॉन्सर्स, वी आर नॉट गेटिंग दैट मच रिकग्निशन, बट इंशाल्लाह ताला जिस तरीके का इवेंट ग्रीनविच के अंदर हम लोग करवा रहे हैं इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक इवेंट एंड वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह रूल दिस इंडस्ट्री। आमीन। बेसिकली दिस इज अ लीग सिस्टम,
in our country, like in Pakistan, the championships is going on in the different places just for the one day shoot, and the people they are just getting fed up in a one day. We have to arrange league. League means every contestant, every fighter had the chance for 3 to 4 times in fight in this one shoot, you know. So this is the league for our youth, and we are given the maximum strength or maximum path to our contestant to play in that, you know. Yes, our league starts from today. We have our conference and we have a face off, we have the wheels, and then tomorrow from the 16th of the March, our league got start, and it's still up to 23rd. It's not necessary that girls is not fighting with hijab or without hijab. The thing is how much strength the girls was having. This is not the hijab. This is first time the girls come in the cage fight, because cage fight is quite tough fight. We don't have any security, any kind of precautions on our head except gum shield and simple gloves. With gloves, we don't have the head guard, we don't have the chest guard, nothing is there. So usually the girls are scared from the bruise, from the nishan, or from these thing marks and all. So mostly the parents, they are not sending the girls in cage fight. Karate in the ring, the girls are playing. This is the first time the women come in the ring, and they belong from very good family, and they are not going to religious family. They are participating in that. It's 3-4 girls are from the same family. They are participating, and they are just wearing hijab, and they are fighting in the hijab, you know. We are the instructor. For us, everyone is equal, whether in hijab or without. So we give them that this kind of confidence to go on, move on, and to introduce yourself that yes, you have this strength like a guys or like a boys, that you can fight in the ring or cage. केज फाइट लीग के मुंतजमीन का कहना था कि अच्छे और हेल्दी मुकाबले सामने आएंगे, और इससे ये भी होगा कि यूथ जो है वो इस एक्टिविटी में आगे आएगा, जो कि ऐसे यूथ जो ड्रग की तरफ चले जाते हैं या कि बेरा रवि की तरफ नौजवान चले जाते हैं, उनको स्पोर्ट्स की जानब लाना और इस फाइट की जानब लाकर उनको अमन और बेहतर तरीके से माशरे का एक अच्छा शहरी बनाने की ये काविश की जा रही है। और उनका यही कहना था कि ये सिलसिला जारी रहेगा, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि यहाँ से जो फाइटर्स निकलेंगे वो बैन अलाक्वामी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कैमरामैन जीशान शेख के साथ AK मोहसिन, राह टीवी, कराची।